ठीक है, चोरी तो कर विंडो कल नहीं, मेरे कल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हुआ ना पैसे। क्या स्टेटस था उसकी, उसका सीवी तो भिजवा दो आपने अपना कॉलेज में एस्पायर। Thank you.
आज कोई जनता करती है सोशली के लिए हो गया एंटर अच्छा पोस्ट लगा देना अच्छा स्टार्ट में कोई मैं हर सेटिंग में चेंज बटन लग गया इसमें पोस्ट कुछ क्या है कुछ की देखिए आवाज आ रही जी अस्सलाम वालेकुम आया ना आवाज आ रही है आपको बेटा मेरी यस मैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हां जी आ रही the rest of the students itna time ho raha hai pata nahi kahan bache pata nahi aisha to 7 minute pehle online thi aaya is present or जी आयान चलें कल का लेक्चर तब तक डिस्कस करते हैं क्या पढ़ा था कल हमने थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए मैम कल ना हमने तीन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज जो फिर आर्टरीज होती है ना उनके वो जो ब्लड है उसको जो हार्ट से दूर ले जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट और इसके अंदर ना ऑक्सीडेटेड ब्लड होते हैं सिर्फ पल्मोनेटरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है और जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना इनके फंक्शन के साथ बड़ा ही वेल एडेप्टेड बड़े उनके फंक्शंस के मुताबिक बना हुआ होता है ये थ्री लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है एक होती है आउटर लेयर एक होती है इनर लेयर और एक होती है मिडल लेयर जो आउटर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है मिडल लेयर इलास्टिक और स्मूथ टिश्यू की बनी होती है और जो आउट इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है वेरी गुड ल्यूमेन इसका बताइए वेन से बड़ा होता है या वेन से छोटा होता है आर्टरी का ल्यूमेन नहीं मैम जो ल्यूमेन वेन्स का होता है वो ज्यादा ब्रॉडर होता है आर्टरीज के मुताबिक मुकाबले में जी आयशा बेटा जितना लेट आप क्लास में आ रहे हो अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम यू आर लेट टुडे आयशा जी मैम मैंने कहा आप लेट हो गए 8 मिनट लेट हैं आप क्लास में तबीयत ठीक मैम वो लिंक काम ही नहीं कर रहा था मैम बार बार रिकनेक्ट कर रही थी बाकी बच्चे भी पता नहीं कुछ ऐसे ही लग रहा है फिर एफर्ट्स में लगे हुए हैं आयान आ चुके हैं अभी तक और आयशा वेंटर भी क्लास में स्टूडेंट्स मैंने कहा रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इन क्लास येट ओके आयशा वी आर डिस्कसिंग अबाउट यस्टरडेज टॉपिक तो आयान ने मुझे आर्टरीज के बारे में इंट्रो दिया है व्हाट अबाउट वेन्स वेन्स की फीचर्स बता सकती हैं आप यस मैम वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट ओके कौन सा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मैम डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट कोई एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड होता है इसका नाम लीजिए पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन यस पल्मोनरी वेन एंड व्हाट अबाउट इट्स लेयर्स इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है वेन्स का आयशा Hello. Yes, ma'am. Structure. What is the structure of vein as compared to artery? What is the difference in between two? Difference बता दे. Ma'am, difference जो होता है वो middle layer जो होती है ना vein की, वो less smooth होती है as compared to artery. Less smooth and less thick as well. Thick भी कम होती है. और इसी वजह से इन दोनों का ल्यूमेन में डिफरेंस होता है किसका ल्यूमेन ब्रॉडर होता है और किसका ल्यूमेन जरा नैरो होता है मैम वेन का ब्रॉडर होता है और आर्टरी का नैरो होता है अच्छा जी स्टूडेंट्स तो आ ही नहीं रहे हैं
शुड आई स्टार्ट लेक्चर ना, 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आज की छुट्टी का इरादा तो नहीं है आमना साथ ताहा, कुछ पता नहीं। ऑनलाइन तो नहीं है, चेक करें जरा स्टूडेंट्स, बच्चे ऑनलाइन हैं? अच्छा मैम देखते हैं, आमना को देखें। मैम आप पीबीएस पे मैसेज कर देना। हाँ मैं वही देख रही हूँ, मैसेज ही करने लगी हूँ, अदरवाइज फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। मैम 7649 का हुआ था ऑनलाइन। अच्छा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये फर्स्ट पैराग्राफ आई थिंक भी हम रीड कर चुके हैं। फर्स्ट पैराग्राफ प्लान जो था सर्कुलेटरी सिस्टम, अब कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। अच्छा ये आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से, मैनी साइंटिस्ट वर्क फॉर। स्क्रीन दोनों बच्चों को नजर आ रही है? यस मैम जी, इसको स्टार्ट करें यहाँ से तो फिर आपको मैं वन बाय वन आर्टरीज कह दूंगा जी। ओके मैम। Many scientists work for discovering the facts about the circulation of blood in human body. Two important scientists who revealed much knowledge of blood circulation system were Ibn Nafis and William Harvey. Ibn Nafis from 1210 to 1286 AD was a physician, and he is honored as the first scientist who described the pathway of blood circulation. William Harvey, from 1578 to 1657 AD, discovered the pumping action of heart and the pathway of blood in major arteries and veins. Now we will see how the major arteries and veins make arterial and venous systems respectively. Basically, in today's topic, we will discuss about the circulatory plan. किस तरीके से जो ब्लड है वो डिफरेंट वेन्स और डिफरेंट आर्टरीज के अंदर सर्कुलेट करेगा और किन किन पार्ट्स की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम आर्टेरियल सिस्टम रीड करेंगे तो आर्टेरियल सिस्टम में हम देखेंगे कि हाउ ब्लड मूव्स इन डिफरेंट आर्टरीज और आर्टरीज में जाने के बाद वो किन ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है। और इसी तरह से जब हम वेनस सिस्टम देखेंगे तो वेनस सिस्टम में हम देखेंगे कि किन किन ऑर्गन्स में से, बॉडी के किन किन हिस्सों में से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आ रहा है हार्ट की तरफ, ठीक है। अब इस सिलसिले में इन दिस रेफरेंस जो दो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज इब्ने नफीस एंड द सेकेंड वन इज विलियम हार्वे। तो पहले जिसने काम किया था वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे और उनके बाद तकरीबन 300 साल के बाद, काफ़ी अरसे के बाद जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने, क्योंकि इनकी जो एजेस हैं उनमें इतना गैप आ रहा है, तो उसके बाद उन्होंने, विलियम हार्वे ने नेक्स्ट इस पर रिसर्च की थी। अच्छा जी हम आर्टेरियल सिस्टम की तरफ आते हैं, जस्ट वेट, कोई और भी एंटर हो रहा है क्लास में? जी कौन है? जयान अली। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम चेंज हो गया? दोनों की प्रेजेंट लगा दूं ताकि साथ इस प्रेजेंट एंड व्हाट अबाउट ताहा? चलिए मूव ऑन, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम को देखते हैं। आर्टेरियल सिस्टम में वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट आर्टरीज।
अब इसमें बच्चों ऐसा है कि डिफरेंट आर्टरीज हैं, उनके नाम आ जाएंगे और साथ साथ उनके पार्ट्स आ जाएंगे कि किन बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड जो है वो जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज। ठीक है, आपके याद करने वाला काम सिर्फ यही है। आया बेटा, आप इसकी रीडिंग करें, फिर मैं पिक्चर वाइज आपको इसका प्लान दिखाती हूँ आगे। इसकी आई थिंक पिक्चर भी है बॉडी की, तो जस्ट आप इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। Large pulmonary trunk emerges from right ventricle and divides into right and left pulmonary arteries, which carry the deoxygenated blood to right and left lungs. The oxygenated blood leaving the left ventricle of heart is carried in a large artery, aorta. It ascends and forms an aortic arch. The arch curves left and descends inferiorly in body. From the upper surface of aortic arch, three arteries emerge, which supply blood to head, shoulders, and arms. As aorta passes down through thorax, it becomes dorsal aorta. It gives off many branches, and the important ones are listed here. Several intercostal arteries supply blood to ribs, calic artery, and superior mesenteric artery supply blood to digestive tract, while hepatic artery supplies blood to liver. Inferior to these, there are a pair of renal arteries that supply blood to kidneys. Gonadal arteries supply blood to gonads. Just below the gonadal arteries is inferior mesenteric artery, which supplies blood to a part of the large intestine and rectum. Then aorta divides into two common iliac arteries, each of which divides into an internal iliac artery and an external iliac artery. Each external iliac becomes femoral artery in upper thigh. It gives branches to thigh, knee, shank, ankle, and foot. स्टूडेंट्स ये देखिए, आप सब स्टूडेंट्स को ये पिक्चर नजर आ रही है? स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस पिक्चर? यस मैम। यस मैम जी, अब हम इसके थ्रू देखेंगे। आयान ने जो भी रीडिंग किया ना पैराग्राफ की, बेसिकली अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज जो है वो किस किस बॉडी के पार्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, आपको बेसिकली इनके नेम्स याद करने हैं और आगे से आर्टरीज के नेम आपको याद होने चाहिए और उनसे रिलेटेड उनका ऑर्गन पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी कौन से ऑर्गन की तरफ या कौन से बॉडी पार्ट की तरफ मूव कर रही है। ये पूरी हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर हमारे जो चेस्ट है, यहाँ पर तो हार्ट नजर आ रहा होगा आप सबको। तो हार्ट से बहुत सी जो ट्यूब्स हैं वो रेड कलर में निकल रही हैं। ऑब्वियसली दीज आर आर्टरीज। ठीक है, बिकॉज आर्टरीज कैरी अवे ब्लड। ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। जबकि जो ब्लू कलर की ट्यूब्स यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज ब्लू कलर ट्यूब्स आर ऑफ वेन्स। और ये जो वेन्स का मतलब है कि सारा जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में से वापस आ रहा है ब्लड की तरफ। ठीक है, आपको बेसिकली ये दो पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेकर जाती हैं टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स, व्हाइल वेन्स कैरी ब्लड बैक टुवर्ड्स द हार्ट। अब आर्टरीज का सबसे पहले आर्टरीज को उन्होंने इस साइड पर राइट साइड पर शो किया है, जबकि वेन्स के नेम्स उन्होंने लेफ्ट साइड पर शो किए हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आर्टरीज। अब आर्टरीज में से वो आपको बता रहे हैं कि जो सबसे पहली आर्टरी निकल रही है, सबसे पहले जो दो आर्टरीज जाएंगी लंग्स की तरफ फॉर प्योरिफिकेशन, तो वो कौन सी वेंट्रिकल से जाएंगी? फ्रॉम द कौन से वेंट्रिकल्स की तरफ से जाएंगी बेटा? ये अभी ऊपर आपने देखा था और पहले भी हम ये जनरल प्लान पढ़ चुके हैं कि कौन सी वेंट्रिकल की तरफ से जो ब्लड है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द लंग्स। ये स्टार्ट में आपने देखा था,
ऊपर से आप देख लो दोबारा से स्टार्ट, बिल्कुल यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लार्ज पल्मोनरी ट्रंक एमर्जेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। इसके लिए आई थिंक आई शुड शो दिस पिक्चर, वो तो बड़ी ही मिक्स हुई हुई डायग्राम है, मुझे स्टार्ट की एक पिक्चर आपको दिखानी चाहिए, इसको बल्कि अच्छा है आपकी रीइंफोर्समेंट भी हो जाएगी। ये जो जनरल प्लान था, सब स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस जनरल प्लान को? यस मैम। यस मैम। जी साथ आमना आप क्लास में आ चुकी हो ना बेटा? यस मिस। ओके ओके, मैंने प्रेजेंट आपकी मार्क कर दी है एंड वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, आपने सबने आज होमवर्क सबमिट करवाया मुझे, मुझे फिर भूल जाएगा मुझे आपको कहना। सब स्टूडेंट्स ने आज होमवर्क आ गया था। अच्छा जी साथ मुझे यहाँ बताइए, ये हार्ट का हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक जनरल स्कीम, इसमें मुझे बताइए कहाँ से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जा रहा है फॉर प्योरिफिकेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट करेगा और ब्लड चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज टुवर्ड्स द लंग्स, और जी और लंग्स में फिर प्योरिफाई होकर ब्लड वापस आ रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जी अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो तमाम बॉडीज की तरफ पंप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेन अयोर्टा। ये जो मेन एक बड़ी आर्टरी है इसका नाम क्या होगा? अयोर्टा। अब आपने इस जी अब आपने इस अयोर्टा को याद रखना है, इस अयोर्टा से काम स्टार्ट होगा। फ्रॉम अयोर्टा ब्लड विल फर्दर ब्रांचेस इनटू डिफरेंट आर्टरीज, आर्टरीज का नाम अब हम देखेंगे। We will see the names of these different arteries in this diagram. ठीक है? यहाँ पे अब आ जाएं दोबारा। ये aortic arch आप देख रहे हो, aortic arch ये main aorta है और arch इसलिए बोल रहे हैं कि ऊपर जाकर ये घूम रही है, ये curve ले रही है, curve लेके दोबारा नीचे की तरफ जाएगी, पीछे मतलब नीचे की तरफ हमारी backbone की तरफ जाएगी, ठीक है? लेकिन curve लेते लेते इससे कुछ ब्रांचेस जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं, यू कैन सी टुवर्ड्स द नेक, टुवर्ड्स द शोल्डर एंड टुवर्ड्स द आर्म। देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स? तो ये जो ऊपर की तरफ जा रही है आर्टरी टुवर्ड्स द हेड और आर्टरीज टुवर्ड्स द शोल्डर, ये वाली जो घूम रही है ऊपर को, और आर्टरीज टुवर्ड्स द आर्म। तो ये आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हेड को और ब्रेन को और शोल्डर को ये आर्टरीज ब्लड देंगी। उसके बाद आर्टरी ऊपर से आर्क बनाते हुए पीछे की तरफ हमारी बैकबोन की तरफ चली गई, जिसको नाम दे रहे हैं डॉर्सल अयोर्टा। डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब ही क्या होता है? वो वाला पार्ट आपका जो कि आपकी बैकबोन पीछे वाली बैक को शो करता है, बैक मीन डॉर्सल, ठीक है? अच्छा बेटा यहाँ याद रखिएगा, हमारी बॉडी की ना कुछ डायरेक्शंस होती हैं, ये मैंने एक बार पहले भी क्लास में आपको बताया था कि हमारी जो बैक वाली साइड होती है ना वो कहलाती है डॉर्सल, लेकिन जो हमारी फ्रंटल साइड होती है, फ्रंट जो अगर आप सामने यूं खड़े हैं तो फ्रंट साइड आपकी कहलाती है वेंट्रल, लेकिन आपकी जो बैक साइड होती है दैट इज नोन एज डॉर्सल। और इसी रेफरेंस से क्योंकि ये आर्टरी बैक की तरफ चली गई है, हमारी बैक बोन की साइड पे, ये देखिए आपको मोटी सी एक आर्टरी नजर आ रही है बैक बोन की तरफ, सो दिस इज नोन एज डॉर्सल अयोर्टा। इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब राइट एट्रियम सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है ऊपर की तरफ दैट इज नोन एज अयोर्टा, और अयोर्टा ऊपर जाके ऐसे कर्व ले रही है, इसीलिए इस कर्व अयोर्टा को नाम दिया जाता है एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च कर्व लेते हुए ऊपर की तरफ दो तीन आर्टरीज में डिवाइड हो रही है जो कि ब्लड देती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही हैं, किस किस पार्ट को? हमारे हेड को, ब्रेन को, शोल्डर की तरफ भी कोई आर्टरी जा रही है, ये आप देख सकते हो, आर्टरीज टुवर्ड्स द हेड और आर्टरीज टुवर्ड्स द आर्म, यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको आपने ऐसे ही लेबल करना होगा,
ठीक है, और शोल्डर की तरफ भी आर्टरीज इस तरफ भी जा रही हैं और दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ आप सेम आर्टरीज की जो है ना ब्रांचेस वो जाएंगी आपको शो करने के लिए, जस्ट उन्होंने नाम एक साइड पे लिखे हैं। और पीछे से जब आर्टरी नीचे की तरफ आएगी तो दिस इज नोन एज डॉर्सल अयोर्टा। व्हाई दिस इज कॉल्ड डॉर्सल अयोर्टा, ड्यू टू इट्स पोजीशन, हमारी जो बैक साइड होती है दैट इज नोन एज डॉर्सल। ठीक हो गया, अब नीचे आ जाए, जब डॉर्सल अयोर्टा नीचे आएगी इट विल डिवाइड इनटू अदर आर्टरीज, ठीक है, और यहाँ पर एक आर्टरी का नाम लिखा हुआ है हेपाटिक आर्टरी। हेपाटिक आर्टरी मींस इट गिव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द, ये जितना हमारा लिवर, हमारे लिवर के पार्ट को ये हेपाटिक आर्टरीज ब्लड दे देंगी। इसके अलावा रीनल आर्टरी लिखा हुआ है, रीनल आर्टरीज गिव ब्लड टू द लंग, ये किडनीज, सॉरी हमारी जो किडनीज यहाँ आपको नजर भी आ रही हैं, कुछ किडनी इस साइड पर, तो किडनी जो है इसको ब्लड देने के लिए रीनल आर्टरी आपको यहाँ नजर आ रही है। इसके अलावा और नीचे आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेसेंटेरिक आर्टरीज, मेसेंटेरिक आर्टरीज विल गिव ब्लड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखें ये स्टमक नजर आ रहा है और इधर ट्यूब्स नजर आ रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो मेसेंटेरिक आर्टरीज हैं और इलियक आर्टरीज हैं, सॉरी इलियक तो नीचे जा रही है, जो मेसेंटेरिक आर्टरीज हैं इट विल गिव ब्लड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और नीचे आ जाए तो इलियक आर्टरीज आपको नजर आ रही हैं और साथ ही आपको अपना लेग का पोर्शन भी नजर आ रहा है। ये जो इलियक आर्टरीज हैं इट डिवाइड्स इनटू टू आर्टरीज, एक्सटर्नल आर्टरी एंड इंटरनल आर्टरीज। तो ये आर्टरीज आपकी कौन से पार्ट को ब्लड देंगी, लेग को, और फिमोरल आर्टरी मींस आपकी जो ये मेन, आपकी मेन बोन है लेग की, थाई बोन, तो थाई बोन के सारे पार्ट को फिमोरल आर्टरीज ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं। यहाँ पर आपका बेसिक काम क्या है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द आर्टरी यू हैव टू लर्न द ऑर्गन, जो आर्टरी है उसके मुताबिक आपको उसका ऑर्गन याद होना चाहिए। अब मैं वन बाय वन आपसे पूछती हूँ ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए, ठीक है। किससे स्टार्ट करूँ मैं, आयशा आपसे स्टार्ट करूँ या ताहा से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है ताहा से पहले हम स्टार्ट करते हैं। ताहा आप मुझे बताइए सबसे पहली आर्टरी कौन से वेंट्रिकल से इमर्जेस आउट होगी, कहाँ से आर्टरीज का जो है ना स्टार्ट होगा कि वो ब्लड को लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाएंगे। मैं बताऊं पल्मोनरी आर्टरी। मैं बताऊं पल्मोनरी आर्टरी। आयशा आयान बेटा आपसे भी मैं अभी कंफर्म करती हूँ जी, ताहा पल्मोनरी आर्टरीज किधर जाएंगी ब्लड लेकर, मैंने वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल का पूछा था, चले आपने राइट वेंट्रिकल की बात कर ली, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाएंगी, वेयर दे विल ट्रैवल, पल्मोनरी से याद रखें, पल्मोनरी मींस लंग्स, लंग्स यस, तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट, यहाँ पर तस्वीर नजर भी आ रही है आपको, लेफ्ट एंड राइट ये देखिए पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं और चली जाती हैं टुवर्ड्स द लंग फॉर प्योरिफिकेशन। ये आर्टरीज तमाम ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाएंगी ताकि वहां पर जाकर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके और वो प्योरीफाई हो जाए ब्लड। आफ्टर प्योरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स ब्लड विल अगेन एंटर इन टू द कौन से चैम्बर में आएगा, कहा कौन से चैम्बर में एंटर होगा हार्ट जो कि साफ हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर इनटू द, ये देखिए मैंने पॉइंट पे किया हुआ है कुछ याद करें, दिस इज लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, नो वन कैन आंसर, आयान आप बता सकते हो पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम, मैम लेफ्ट, वेरी गुड, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड दोबारा से एंटर हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड का जो है ना वो सफर स्टार्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सारे का सारा अब बाहर निकलना शुरू होगा ताकि डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स की तरफ जा सके विद द हेल्प ऑफ मेन आर्टरी, और मेन आर्टरी का नाम क्या है ताहा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन आर्टरी, अयोर्टा। अब ये आपको जिसे कहते हैं ना कि टिप्स पे नाम याद करने होंगे नए आर्टरीज के,
जो मेन आर्टरी है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर आगे की तरफ जाएगी, वो क्या, उसका नाम क्या है? अयोर्टा। ठीक हो गया जी आयान, आगे से आप बताइए अयोर्टा आगे ये एयोर्टिक आर्क में क्यों चेंज हो रही है, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एयोर्टिक आर्क? के पास ना ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से और हार्ट से कैरी करती है, उसके बाद ये जाती है aortic आर्च में। इसको aortic आर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि थ्री जगह पे डिवाइड हो रही है, एक हेड पे ही डिवाइड हो जाती है, एक आर्म्स में डिवाइड हो जाती है और एक शोल्डर्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद जो ब्लड जाता है वो जाता है डोसल aorta में। डोसल aorta को डोसल aorta इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीछे जाके बैकबोन के साथ अटैच हो जाती है। डोसल बहुत सारी आर्टरीज अटैच हो जाती हैं, जैसे कि हेपेटिक आर्टरी है जो कि लिवर में ब्लड ले जाती है, उसके अलावा गोनड आर्टरी है जो गोनड्स में ब्लड ले जाती है। तो इस तरह बाकी आर्टरी से कनेक्टेड होती है जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ब्लड ले जाते हैं। गोनड आर्टरीज अभी यहाँ वैसे नजर नहीं आ रही, रीडिंग में हमने पढ़ा था, वो भी यहाँ पे इन्होंने शो तो नहीं किया हुआ। वैसे मैं भी आपको बता देती हूँ, जो गोनेडल आर्टरी है ये किस बॉडी पार्ट को ब्लड ले देगी? ये हमारे गोनेड्स को, यानी कि सेक्स सेल्स को, जो सेक्स ऑर्गन्स है ना उन तक ब्लड जो है वो गोनेडल आर्टरी, यहाँ पर लिखा हुआ है नाम आप देख सकते हो, ये तो वेन्स है ना ऊपर आर्टरीज का भी में है, उसमें आर्टरीज का नाम लिखा हुआ। तो हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड जो लेकर जाएंगी आर्टरीज, उनका नाम है गोनेडल आर्टरीज। अच्छा आर्टरीज, ये हेपाटिक आर्टरी, साथ हेपाटिक आर्टरी कौन से ऑर्गन को ब्लड दे रही है? हेपाटिक आर्टरी जो कि डोर्सल एओर्टा से निकल रही है, ये कौन से ऑर्गन को ब्लड दे रही है? हेपाटल, हेपाटिक से आपने याद रखना है, हेपाटिक आर्टरी मींस लिवर, लिवर, वेरी गुड, लिवर। एंड द रीनल आर्टरी, आमना आप बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टरी व्हिच डिलीवर ब्लड टू द किडनीज, उसका नाम क्या है? रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरी, आमना रीनल आर्टरी, रीनल मींस, रीनल मींस किडनीज, ठीक है, किडनी। हेपाटिक आर्टरी मींस आर्टरी व्हिच डिलीवर ब्लड टू द लिवर, ठीक है ये। और पल्मोनरी आर्टरी, अब ये मेजर मेजर आपके ऑर्गन्स आपको याद होने चाहिए। पल्मोनरी मींस वो आर्टरी जो कि ब्लड लेके जा रही है लंग्स की तरफ, हेपाटिक आर्टरी वो आर्टरी जो कि ब्लड लेके जा रही है टुवर्ड्स लिवर, रीनल आर्टरी ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड लेके जा रही है टुवर्ड्स किडनीज। अच्छा जी, मेसेंट्रिक आर्टरीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी गुड, टू ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें स्टमक भी आ जाएगा, उसमें आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाले पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। और गोनेडल आर्टरी इन्होंने यहाँ ना शो नहीं किया हुआ, गोनेडल आर्टरी को, गोनेडल आर्टरी मीन्स गोनेड्स की तरफ जो ब्लड लेके जाए, गोनेड्स हम जो है वो सेक्स सेल्स, सेक्स ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, इलियक आर्टरी, कहाँ आप बता दीजिए? इलियक आर्टरी दो में डिवाइड होती है, एक इंटरनल में और एक एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में, ये दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल आर्टरी, इलियक आर्टरी। और आप देख सकते हो कि बॉडी की पोजीशन क्या है, ये लेग्स है हमारी, ठीक है, तो लेग्स की तरफ लेके जा रही है। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल हमारी, आपको पता है फीमर हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी के अंदर, थाई बोन जिसे बोला जाता है, उसी से इसको फीमोरल आर्टरी कह दिया गया, ठीक है। तो हमारी जो थाइस की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो फीमोरल आर्टरीज की वजह से जा रहा है, ठीक है। कुछ याद हुए नाम आर्टरीज के अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स? यस मैम। मतलब इस पैराग्राफ को ऊपर ये जो रिटन वर्क दिया हुआ है ना, इसको एज इट इज इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न द नेम्स ऑफ दीज आर्टरीज और उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स के नाम याद कर लें, तो बस आपका पैराग्राफ खुद ब खुद डेवेलप हो जाए, ठीक है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं वेन्स की तरफ, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द वेन्स। ताहा से मैं एक बार पूछना चाह रही थी, ताहा कहाँ है? ताहा आर यू देयर? सुन रहे हैं ताहा सारा लेक्चर? हेलो ताहा। यस मैम। जी ताहा, जरा वन बाय वन सारी आर्टरीज के नाम लीजिए और अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द आर्टरी गिव द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स। हरी अप, जल्दी जल्दी, ये कौन सी आर्टरी है? आर्टरी टू हेड रीजन, ये कहाँ से निकल रही है, कहाँ से मर्ज हो रही है? जल्दी जल्दी जरा नेम्स इनके रिकॉल कर लें।
टाइम इज शॉर्ट बेटा, आज 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हो गया आपकी। कहाँ आवाज आ रही है आपको? तो इनके माइक सिस्टम का बड़ा इशू। आमना बेटा आप रिपीट कर लो, आप रिपीट कर लो आमना, डिफरेंट नेम्स, इनके नेम्स। जी अकॉर्डिंग टू नेम्स आप मुझे बताएं कौन से ऑर्गन में कौन सी आर्टरी जा रही है। दिस आर्टरी टू हेड रीजन, रीजन में जा रही है। ठीक है बोलते जाओ। एओर्टिक आर्च कौन सी है? एओर्टिक आर्च का क्या मतलब है? ये कौन सी आर्च है? इसमें जहां एओर्टा के पीछे ये कर्व होती है और बैक साइड पे जाती है। ठीक है तो बैक साइड पे जाके कौन सी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? डोर्सल एओर्टा। शाबाश डोर्सल एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी का क्या मतलब है? टू व्हिच पार्ट, टू व्हिच ऑर्गन दिस आर्टरी गोस? लंग्स मैम। लंग्स, लंग्स में जाती है। अच्छा जी हेपाटिक आर्टरी का क्या मतलब आप लोग के, कौन से ऑर्गन की तरफ जा रही है? ये लीवर का है। शाबाश लीवर की तरफ। रीनल आर्टरी? किडनीज। वेरी गुड किडनीज। मेसेंट्रिक आर्टरीज? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए आयशा उनको रिमाइंडर्स दे दें साथ साथ। एंड इलियक आर्टरीज? ये दो में डिवाइड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल और किस बॉडी पार्ट की तरफ जा रही है? लेग, लेग की तरफ। शाबाश टुवर्ड्स लेग्स। फीमोरल आर्टरी मींस टुवर्ड्स लेग्स। फीमर, फीमर कौन सी बोन का नाम होता है? थाई बोन। थाई बोन व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट बोन? आपकी बॉडी की जो सबसे बड़ी हड्डी है ना, जो सबसे बड़ी बोन है वो दैट इज फीमर बोन। ठीक है ये जी आगे चलते हैं। ताहा को तो मैं एब्सेंट मार्क करने लगी हूँ इसलिए कि वो बिल्कुल पार्टिसिपेशन शो नहीं करते। ताहा आई विल मार्क यू एब्सेंट। सुन रहे हैं? साथ इनको बता दीजिएगा। ओके मैम। अच्छा जी यहाँ पर एक पिंक कलर का बॉक्स भी है जो कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंडर आ जाता है। इसमें कोरोनरी आर्टरीज का नाम रहेगा तो इसको भी रीड करते हैं। साथ बेटा आप रीड करो इस पैराग्राफ को। इसमें कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स की बात हो रही है। व्हाट टाइप ऑफ दीज, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। व्हाट इज मेंट बाय कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स, क्या स्पेशलिटी है इनकी? इवन दो द हार्ट चैंबर्स आर कंटिन्यूअली बाथ विद ब्लड, दिस डज नॉट न्यूरिश हार्ट मसल्स। द ब्लड सप्लाई टू हार्ट muscles is provided by coronary arteries which emerge from the base of aorta. Heart muscles are drained by coronary veins which empty into right atrium. Coronary arteries and veins are collectively called coronary circulation. It is a part of systematic circulation. Systemic circulation, it's not systematic, systemic circulation. अच्छा जी अब इसमें आप, इसमें अब हमारे क्या समझने की बात है? क्वेश्चन इस तरह भी बन जाता है, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय कोरोनरी सर्कुलेशन। अब कोरोनरी का मतलब है वो वाली आर्टरीज और वो वाली वेन्स जो कि डायरेक्ट हार्ट के मसल्स को जो ब्लड प्रोवाइड करेंगी वो कहलाएंगी कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा। एओर्टा की बिल्कुल बेस से ये वाली आर्टरीज निकलेंगी और तमाम हार्ट के मसल्स को ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देंगी। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वापस आ रहा है वो कौन सी वेन्स के थ्रू आ रहा है? कोरोनरी वेन्स। और वो किस तरफ आ रहा है? फ्रॉम इन द राइट एट्रियम। जैसे कि तमाम जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ही आ रहा है ना, डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून सारा राइट एट्रियम में जमा हो रहा होता है। तो कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन्स वो वेन्स होंगी जो कि हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वापस लाकर राइट एट्रियम में डाल देंगी।
coronary veins and coronary arteries are those tubes which give blood to the heart muscles. Heart ke jo muscles hain, jinko cardiac muscles bola jata hai, unko ye wali jo veins aur arteries hain, wo blood deti bhi hain aur wapas le bhi leti hain. और ये जो सारी सर्कुलेशन का सिस्टम होगा दैट इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन और इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन. अब मुझे आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये टॉपिक हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं, किसी को याद है या मैं रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स? सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये दो नाम हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ. सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स तमाम बॉडी में, ये जो आप पढ़ रहे हो ना ये वाला टॉपिक सारा, ये वाला सारा जिसमें तमाम बॉडी के पार्ट्स में ब्लड जा भी रहा है थ्रू आर्टरीज और वापस भी आ रहा है थ्रू वेन्स. तो ये जो तमाम सर्कुलेशन हो रही है ये सारी सर्कुलेशन कहलाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन जी. लेकिन अंदर से सिर्फ आप कौन से पार्ट को निकाल दो, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स वाले पार्ट को आप साइड पे कर दो. लंग्स में अलग से सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स. तो ये जो इतना वाला हिस्सा है इसको आप साइड पे कर दो क्योंकि इसके लिए अलग से नाम है आप हमारे पास, वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, सिर्फ लंग्स के लिए हमारे पास अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम है, सो दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. इसके अलावा बॉडी में जितनी भी सर्कुलेशन हो रही है ट्यूब्स की थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, वेदर वो वेन्स हैं वेदर वो आर्टरीज हैं, और तमाम बॉडी के पार्ट्स को जो ब्लड दिया जा रहा है और वापस लिया जा रहा है वो सर्कुलेशन कहलाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन. और जो थर्ड सर्कुलेशन आ गई कोरोनरी सर्कुलेशन विच इज रिलेटेड टू द हार्ट मसल्स. कोरोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन जिसमें कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स जो ब्लड है वो हार्ट को दे भी रही है थ्रू आर्टरीज और वापस भी ले रही है थ्रू वेन्स, तो वो कहलाएंगी कोरोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, अब तीन तरह की सर्कुलेशन आपके पास आ गई, कौन कौन सी? कोरोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी, आज का ये काम तो बहुत डिफिकल्ट है इसको ड्रॉ करना. आप जस्ट ऐसा करो, मैं अब ये भी दूंगी बाद में, फिलहाल आपने इनके नेम्स लिखने हैं एक साइड पर और उनके सामने उनके पार्ट्स का नाम लिखना है कि ये कौन सी आर्टरी से रिलेट करते हैं. ठीक है जी स्टूडेंट्स? ओके मैम. बहुत छोटा सा काम है, आज ये दे रही हूँ, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी डायग्राम दूंगी जब वीकेंड आएगा. ओके जी स्टूडेंट्स, आप सबको काम समझ आ गया? आज का काम क्या है, यू जस्ट राइट द नेम्स, जस्ट राइट द नेम्स ऑफ द आर्टरीज और उसके सामने उसका ऑर्गन लिख देना है कि किस ऑर्गन की तरफ ये आर्टरी मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है. जी अयान, अयान की ये ठीक नहीं लग रही मुझे. अयान साथ आपको काम समझ आ गया बेटा आज का? यस मैम. एंड व्हाट अबाउट आमना? यस मिस. ठीक है जी, चलिए जी इंशाल्लाह अब फ्राइडे को मुलाकात होगी. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज मैम. Thank you.